हेलो एवरीवन, निरन प्रगति ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो कैसे हैं गाइस आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हल्द्वानी शहर में कभी बारिश तो कभी गर्मी, ऐसा मौसम बना हुआ है। तो कभी किसी समय बारिश हो जाती है तो कभी मौसम बिल्कुल ऐसी धूप हो जाती है कि बाहर निकलने जैसा नहीं होता है। तो अभी तो फ़िलहाल मौसम में थोड़ी जो है बारिश वारिश हो रही थी, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे। तो आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा हो रहा है आप ज़रूर बताइएगा। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा आज का टॉपिक जो है टीकाकरण पे है कि अगर आपके बच्चों का जो है टीकाकरण मिस हो जाता है तो आप क्या करें, या आपने एक भी नहीं लगाई है तो आप क्या कर सकते हैं, वो भी मैं आज आपको इस वीडियो के जरिए पूरी जानकारी दूंगी। तो वीडियो स्किप किए बिना आप पूरी वीडियो देखिएगा, और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि उन्हें मेरा आगे आने वाले वीडियो का जो है बेल आइकन अगर वो दबाएंगे तो नोटिफिकेशन उन्हें टाइम टाइम पे मिलता रहेगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज हमें वैसे भी टीकाकरण के लिए जाना है, तो अभी मैं आपको अपने बेबी के टीकाकरण का बताऊँगी। मिताली का थर्ड जो है टीकाकरण है, तो हम लोग जा रहे हैं, हमारे पास में आंगनबाड़ी केंद्र है, वहाँ पर जो है आशा और जो टीका लगाते हैं वो लोग आते हैं। तो हमारा वो लोग हमें कॉल करके भी बुला लेते हैं। तो आप भी जो है अपने आसपास आंगनबाड़ी में जो है रजिस्ट्रेशन करवा के वहाँ पे ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस चलिए इसी वीडियो के अंदर हम ये भी जान लेते हैं कि टीकाकरण लगाना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, अपने बच्चे को टीका लगवाना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कई सारी बीमारियों का जो है सामना बच्चे को करना पड़ सकता है, या कई सारी बीमारियां उन्हें हो सकती हैं। इसलिए जो है वैक्सीनेशन जो है बच्चों को 1 मंथ में, 3 मंथ में, 4 मंथ में ऐसे लगाया जाता है। जब वो पेट में भी होता है तब भी 2 वैक्सीन जो है गर्भवती महिला को लगाई जाती है। तो अगर बच्चे को जो है टीका नहीं लगाया है तो आप क्या करें वो भी मैं बताऊंगी। तो ये जान लेते हैं बीमारी कौन कौन सी होने के खतरा होता है, जैसे कि खसरा, डिप्थीरिया और पोलियो जैसी बीमारी जो है बच्चों को होने के चांसेस होते हैं। देश विदेश में ये समस्याएं जो है बढ़ भी रही हैं। तो आप चाहते हैं बच्चा स्वस्थ रहे तो आप ज़रूर ये टीकाकरण ज़रूर करवाएँ, और जो जो आपको वहाँ पर बताया जाएगा वो ज़रूर करवाएँ। जब भी आप टीका लगवाएँ उसके बाद आइस पैक ज़रूर बच्चे के लगाएँ, इससे बच्चे को जो है वहाँ पर स्वेलिंग नहीं होगी और गांठ जैसी नहीं बनती। और अब ये जान लेते हैं, जो अभी जो न्यू पेरेंट्स हैं और जो ऐसी जगह पर रहते हैं जिन्हें जानकारी नहीं है, तो वो लोग जो है अगर टीका नहीं लगा पाए हैं, अपने बच्चे को एक भी नहीं लगा पाए हैं, तो वो अभी कभी भी 1 साल के अंदर किसी भी टाइम जाके अपने टीकाकरण करवा सकते हैं, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप टाइम टाइम पे लेंगे तो वो बहुत अच्छा रहता है बच्चे के लिए। और अगर आपका मिस हो चुका है और बच्चा लगभग 1 साल का हो गया है या 2 साल का हो गया है या बड़ा हो गया है, तो डॉक्टर से भी सलाह ले लें और वैसे आप टीकाकरण लगा सकते हैं। फिलहाल मेरी बेबी जो है अभी 3 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं उसे, और टीकाकरण के बाद जो है तपरस्त पड़ गई थी, सो गई थी घर आके। तो इस वीडियो में मैंने अपनी बेबी का जो है टीकाकरण और कैसी बच्चे की हालत हो जाती है टीकाकरण के बाद, बच्चे को बहुत ज़्यादा नींद आती है, उसे फीवर होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मिताली जब घर आई तो वो आराम कर रही थी और काफ़ी देर तक सोई, और उसे छेड़ना बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत जो है परेशान सी हो गई थी उस दिन। तो कुछ हमारे फ़ोटोज़ हैं जो इसमें मैंने शेयर करी, वो आप देख सकते हैं। तो गाइस जो लोग जो है अभी भी टीका नहीं लगाया है बच्चों को, तो वो जाके टीका लगा सकते हैं। और मेरी जो है दरख्वास्त है न्यू पेरेंट्स से, अगर वो पेरेंट्स बन रहे हैं तो वो अपना टीकाकरण ज़रूर करवाएं बच्चों का, और स्टार्टिंग में जो है महिला का भी ज़रूर करवाएं, जिससे कि बच्चे को जो है किसी भी जो है प्रॉब्लम से नहीं जूझना पड़ेगा। नहीं तो आजकल की जो बीमारियाँ हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। तो जैसे कि आपने इस वीडियो में देख ही लिया होगा कि मैंने भी अपनी बेबी को जो है टीकाकरण करवाया है। आजकल आपको ये सुविधा जो है आंगनबाड़ी में भी दी जाती है, तो आप आंगनबाड़ी में भी जा सकते हैं। होप्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आप इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।